तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर ना आएं, ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि हमें और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो बैकफुट पर नहीं रहेंगे और लगातार हम अपने जो कार्य हैं वो यहां पर करते रहेंगे। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा और ये भी बताया कि योजनाओं में हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के आधार पर खास तौर पर नहीं किया है कि जाति के आधार पर योजनाओं में कोई भेदभाव किया गया हो। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कही। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें विपक्ष पर तो निशाना साधा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन साथ ही साथ इस कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या बहुत अच्छे नतीजे उनके लिए नहीं रहे। तो ये नतीजे किस वजह से रहे? कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, नेताओं ने मेहनत की, लेकिन फिर भी क्यों मन मुताबिक नतीजे नहीं आ सके, जनता का उतना समर्थन नहीं मिल पाया, उसी पर चर्चा की गई है। आगे चुनाव में क्या रणनीति रहे इस पर बातचीत की गई है और क्या खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठ के कर रहे हैं, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में कहां चूक हो गई। चुनाव के नतीजों को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव के नतीजों के साथ साथ विपक्ष की साजिश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, लेकिन फंसना नहीं है। लेकिन क्या कारण था? ये जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए, क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं। दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति सुर्खियों में रही है। जिस तरीके से सीएम योगी ने यूपी से दंगाइयों और अपराधियों का सफाया किया है, उसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है। एक समय था जब यूपी में अपराध का बोलबाला था। 2017 से पहले शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर होते थे, लेकिन अब यूपी में कानून का राज स्थापित है। आपने देखा होगा कैसे मारपीट और दारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा था, उस समय भी कांग्रेस ने वोट बैंक खिसकने के डर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया था और जाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के इस तरह के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया।
विपक्ष पर हमेशा से ही वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा हो या फिर सनातन के खिलाफ बयानबाजी, ये वो मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी इंडी गठबंधन के खिलाफ हमलावर है। सनातन विरोध में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चलती रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं चार बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। और ये ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आगे आने देना है क्या? 2024 के लोकसभा का महासंग्राम खत्म हो चुका है, अब बारी आगामी विधानसभा चुनाव की है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी समेत सभी पार्टियां लग गई हैं। मकसद है किसी भी तरीके से जीत हासिल की जाए। अगर बात करें बीजेपी की, तो लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी नेता उत्साह से लवरेज हैं। तो वही दूसरी ओर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त से अभी उबर नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से आज ये कार्य समिति की बैठक हुई और 24 के चुनावों में जो कुछ हुआ उसके बाद, अब क्या ये समझा जाए कि अति आत्मविश्वास के साथ साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि विरोधी जीत गए, साजिश जीत गई, तो क्या आप 27 में तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ना है? रोड मैप क्या 27 को लेकर के चर्चा हो रही है? बिल्कुल, आज के दिन के चर्चा का सार ही 27 और आगामी चुनावों में, सबसे पहले तो आगामी जो 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है उसको लेकर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वो 10 सीटें जीतने वाले हैं और 2027 भी जीतने वाले हैं। जो कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन है, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति डाउन है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बात कही कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने कामों को गिनाया कि किस तरीके से बिना कोई भेदभाव किए केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं सब तक पहुंची है। तमाम दूसरे विषयों को गिनाया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के, उन्होंने भी अपनी बात रखी। महत्वपूर्ण एक बात जो उन्होंने कही आखिरी में कि जो कार्यकर्ता हैं उसका जो आत्मल है, कार्यकर्ता का सम्मान उनके लिए सबसे प्रमुख है। तो एक तरीके से मैसेजिंग भी थी, क्योंकि पिछले दिनों अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ताओं के विरोध के स्वर आ रहे थे, जहां पर प्रशासन को लेकर उनकी तरफ से सवाल उठा जा रहा था, तो सरकार और संगठन इसको लेकर जो दो सवाल है उस बारे में भी बात हुई। तो सीधे तौर पर जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जो कि है तो अभी काफी दूर, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मोराल बहुत डाउन है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उसे बूस्टअप करने का प्रयास आज के दिन देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका।